फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई क्यूट हनी बनी फैमिली। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने न्यू केज ब्लॉग पार्ट्स में मैंने बताया था कि मेरे पास एक सरप्राइज़ है, और ये भी मैंने पार्ट 4 में बताया था कि मैं हनी बनी के केजेस में गेट लगाने वाली हूँ। सो फ्रेंड्स, ये मैंने गेट तो लगा दिया है दोनों केज में, एक केज रह गया। पहले इन तीनों केजेस को मैं पेंट करूँगी, पेंट करने के बाद ये कैसा दिखता है मैं वो दिखाऊँगी, और फिर मैं अपनी प्यारी स्वीटी से आप लोगों को मिलवाऊँगी। और ये पेंट रहा, और ये सिल्वर कलर की पेंट रही जिससे हनी बनी के केज की पेंटिंग होगी। तो मैं पेंट करती हूँ, पेंट करने के बाद दिखाती हूँ आप लोगों को कि कैसा इसका पेंट हुआ है। ये देखिए बनी क्या कर रहा है, क्या कर रहे हो बनी? हनी क्या कर रहे हो बाबू? तो फ्रेंड्स, एक केज पेंट होकर के रेडी हो चुका है, तो आप देख सकते हैं। और ये दूसरा केज रहा, इसे भी मैं पेंट करने के बाद दिखाती हूँ कि ये कैसा लग रहा है। सो फ्रेंड्स, ये केज भी पेंट होकर के रेडी हो चुका है, तो आप देख सकते हैं कैसा लग रहा है ये केज पेंट होने के बाद। फ्रेंड्स, हमारा 3rd केज भी पेंट होकर के रेडी हो चुका है, तो आप सब देख सकते हैं। और हनी इसमें भी अंदर जा चुकी है पेंट होने के बाद। तो हनी को अपना घर तो बहुत प्यारा लग रहा है पेंट होने के बाद। और वो दोनों पिंजरे तो मैंने दिखाई दिया था कि वो दोनों पिंजरा कैसे पेंट हुआ, और ये 3rd पिंजरा जो बच गया था लास्ट, इसे मैंने पेंट कर दिया। इसके गेट्स वगैरह भी पेंट हो गए। अब देखिए हनी क्या कर रही है। हनी को बंद कर दे रही मैं, हनी को बंद कर दे रही मैं। हनी को बाहर नहीं आने क्या? हनी आना है बाहर? देखिए हनी कैसे कर रही है गेट खोलवाने के लिए। ठीक है, मैं भी इसकी गेट खोल दे रही हूँ। सो फ्रेंड्स, मैं एक और बात बताती हूँ कि हनी तभी बाहर आती है जब यहाँ से कोई चला जाए, क्योंकि सब लोग इसे गोद में जो उठा लेते हैं। तो जैसा कि मैं बोली थी कि आप लोगों को एक सरप्राइज़ देने वाली हूँ, तो वो सरप्राइज़ मेरी स्वीट सी स्वीटी है। तो मैं उससे अभी आप लोगों को मिलाती हूँ, अपनी प्यारी स्वीटी से मिलाती हूँ। तो हनी को बंद कर देती हूँ, इसे बंद करके। तो फ्रेंड्स, मैं इससे पहले आप लोगों को एक और चीज़ दिखाती हूँ कि हनी बनी चुट्टू के लिए मैं घर में ही जौ का घास उगाती हूँ। तो ये मेरा घास 5 दिन में हरा भरा घना हो गया है, तो देख सकते हैं ये मात्र 5 दिन में हुआ है इसकी ग्रोथ। अगर आपको भी अपने रैबिट्स के लिए घास उगाना है तो उसके लिए मैं स्पेशल वीडियो बना दूँगी कि जौ को कैसे पानी में कितनी देर रखना है और उसे मिट्टी में कैसे डालना है, वो मैं आप लोग को शेयर करूँगी। तो अब मैं आपको अपनी प्यारी सी स्वीटी से मिलाती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं ये हमारी प्यारी सी स्वीटी है। तो फ्रेंड्स, ये हमारी क्यूट सी स्वीटी है। इसी के बारे में मैं बता रही थी कि हमारे घर एक स्वीटी आई है, और आप सब देख सकते हैं सच में कितनी क्यूट है वो। फ्रेंड्स, ये हमारी शिट्टू है, और शिट्टू का कलर ब्लैक एंड वाइट है, और इसके दोनों ही आँखों के पास ब्लैक है कलर, और इधर भी ब्लैक है। तो शिट्टू ऐसे करो ना बाबू, ऐसे करो ना। ओके 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 बच्चा, ओके ओके। शिट्टू के आँखें मैं दिखाती हूँ। इसकी आँखें लाइट ब्लू एंड ब्लैक है। लाइट ब्लू एंड ब्लैक सच में बहुत खूबसूरत है शिट्टू का आँख। और शिट्टू काफ़ी लंबी है, तो शिट्टू अपना खाना खत्म कर चुकी है। तो शिट्टू को मैं पानी देती हूँ, थोड़ा सा पानी पी ले। शिट्टू पानी पी लो बाबू। ये सच में बहुत क्यूट है। हनी बनी की तरह ये भी मेरी बहुत ज़्यादा बात मानती है। तो फ्रेंड्स आप जरूर बताएं कि हमारी स्वीटी से मिलकर के आप सबको कैसा लगा। स्वीटी हाय बोल दो, बाबू सबको हाय बोल दो, बोलो हाय बोल दो। सो फ्रेंड्स आप जरूर कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी स्वीटी कैसे लगी।